बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप? वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पाक फूड में। आज हम बना रहे हैं गार का देसी घी। किस तरह बनता है आइए दिखाते हैं, और बड़ा ही आसानी से। देसी घी के लिए हमें क्या चाहिए? मैंने लिए 5 अदद बटर की टिक्कियाँ, 1 किलो और 1 पाव। इसमें फैट जो है वो देख लें, ज़्यादा फैट वाली लेंगे तो घी ज़्यादा निकलेगा, नहीं तो बटर में पानी और वो योगर्ट वगैरह बहुत कुछ होता है। आपने ये वाला बटर लेना है, इसमें से सही घी निकलता है। सबसे पहले सारी टिक्कियाँ निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने अपना चूल्हा कर लिया गर्म, और रखते हैं बीच में अपना बटर सारा। लो फ्लेम पे आपने करना है, हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए। घी है देसी घी तो फिर आग लग सकती। मैं इसी तरह हमेशा घी बनाती हूँ घर में, पराठे और देसी घी में ही बनते हैं पराठे भी, और जो मीठी सेवइयाँ हलवा जो भी कुछ बनाएं वो मैं देसी घी से ही बनाती हूँ। कोई उसमें स्मेल भी नहीं आती और ख़राब भी नहीं होती। और जो आप लेके आए बना हुआ, उसमें से मुझे तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है पूरे घर में। ये आप बनाएंगे तो पता भी नहीं चलता, घर में कोई स्मेल नहीं आती है। और ये इसलिए येलो कलर का लग रहा है क्योंकि ये गाय का है बटर, लेकिन जो भैंस का होता है ना वो होता है ग्रीन कलर का। तो इसको आस्ता आस्ता इसमें चमचा चलाते रहना है, क्योंकि नीचे बैठे नहीं तो वो आपकी जो योगर्ट है वो नीचे लग जाएगी, जल जाएगी, फिर वो आपको पतीला साफ करने में बड़ी दुश्वारी होगी। ये आराम से पक रहा है, आप देखें वो जो योगर्ट है बीच में से वो सारी ख़त्म हो रही है, और घी सारा पूर घी बाहर आ रहा है। बस अब ज़बरदस्त होने वाला है। ये वाला घी ख़राब नहीं होगा, कम से कम 6 माह तक आप ऐसे रख सकते हैं, कोई इसमें स्मेल नहीं आएगी। और जब भी कुछ बनाए तो आप आराम से ले सकते हैं। अगर आप पराठे बटर से बनाए तो वो सारे घर में इतना धुआं हो जाता है ना, और वो पराठे भी जो है वो काले काले लगते हैं, वो जो ऊपर योगर्ट जल जाती है। तो इससे पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। इंशाल्लाह मैं पराठे भी बनाऊंगी इसी घी के साथ, तो फिर आपको दिखाऊंगी। ज़बरदस्त, आप डन होंगे। अब हम अपना चूल्हा करते हैं बंद। आप थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर इसको छान सके हैं। मैंने तो वैसे ही निकाल लिए, आप छन्नी रख के तो स्टेनर से आप छान सके हैं। 1 किलो 1 पाव में से ये छाछ निकली है सारी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को हिट करें। देखो कितना अच्छा देसी घी बना है, आप देखें ठंडा हो गया, इतना अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।